और टॉस चलती हुई मीरपुर प्रीमियर लीग डबल बी की टूर्नामेंट जो कि काफी शानदार होने की उम्मीद, दोनों इनाम देगी कमेटी, कोई कमेटी की टीम नहीं होगी। फर्स्ट प्राइज 21,000 और सेकंड प्राइज 11,000। शानदार टूर्नामेंट, एक से एक बड़ा खिलाड़ी देखने को मिलेगा। यूपी वाला असला अनीस राठी, लाला सरदना, गगन फ्रॉम मेरठ, एक से एक बड़ा बल्लेबाज जुगनू फ्रॉम गुड़ग्याम। और टूर्नामेंट होता हुआ शुरू, पहला ही मुकाबला जबरदस्त और शानदार देखने को मिलेगा। चीनी गुजर फ्रॉम बड़ौद और लाला सरदना मेरठ वर्सेज शिवम तोड़ीवाल मेरठ और रोबिन मेरठ के बीच टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला शानदार। पहली बॉल मुकाबले की और शानदार बॉल, पहली बॉल होगी डॉट। दूसरी बॉल लेकर तैयार शुभम चीनी गुजर के लिए, शानदार यॉर्कर और बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल का सामना करेंगे अलग ही स्टाइल में, लगा पाएंगे चीनी गुजर छक्का। शुभम तोड़ीवार बैक ऑफ द हैंड और लेग स्टंप की तरफ घसीटना चाहते थे, बॉल हो जाएगी डॉट। चौथी बॉल लेकर तैयार शुभम तोड़ीवार, शानदार बॉल और बॉल होगी डॉट। पांचवी बॉल शुभम तोड़ीवार और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और शानदार और काफी लंबा छक्का लगाते हुए चीनी गुजर फ्रॉम बड़ौद को भी चीता ही कह देते, शानदार और काफी लंबा छक्का लगाते हुए। अंतिम बॉल लेकर तैयार लगातार डटे हुए मुकाबले में, छठी बॉल तोड़ी बाल भी तैयार और नो बॉल। अंतिम बॉल और एक और छक्का, काफी दूर जाएगी ये भी बॉल, दो बॉलों पर दो लगातार छक्के लगा दिए चीनी गुजर फ्रॉम बड़ौद द्वारा। 3 छक्कों की जरूरत शिवम तोड़ीवाल को मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाजी के लिए तैयार शिवम तोड़ीवाल और सामने है चीनी गुजर फ्रॉम बड़ौद। 6 बॉल 3 छक्कों की जरूरत, पहली बॉल और पहली बॉल पर जाएगा चाबुक छक्का सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, शानदार छक्का लगाते हुए शुभम तोड़ीवाल फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं। 5 बॉल 2 छक्कों की जरूरत और बॉल होगी वाइड। दूसरी बॉल और एक और काफी लंबा छक्का और बॉल जाएगी के खेत में, और एक और छक्का और दो बॉलों पर दो लगातार छक्के लगाते हुए शुभम तोड़ीवाल फ्रॉम मेरठ को भी गुलदारी कह देते हैं, बॉल हो जाएगी डॉट। और गर्मी कुछ ज्यादा यहाँ पर, 3 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत। चौथी बॉल और एक और बार बॉल जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए, बल्ले की गरज रन पूरे आधे दर्जन और एक और शानदार छक्का, 3 छक्के लगाकर मुकाबले को ही जीता दिया शुभम तोड़ीवाल फ्रॉम मेरठ को भी जीता ही कह देते हैं, और पहला मुकाबला हो जाएगा समाप्त। और एक और शानदार मुकाबला गगन फ्रॉम मेरठ और काली वर्सेज हर्ष गगोल और पोलार्ड के बीच ये चलता हुआ दूसरा मुकाबला। पहली बॉल लेकर तैयार हर्ष गगोल, सामने है गगन फ्रॉम मेरठ, पहली बॉल और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और काफी लंबा छक्का लगा दिया पहली बॉल पर गगन फ्रॉम मेरठ को भी गुलदारी कह देते हैं। दूसरी बॉल हर्ष गगोल, बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल हर्ष गगोल और शानदार यॉर्कर, बॉल होगी डॉट। चौथी बॉल हर्ष और शानदार बॉल और बॉल होगी डॉट। पांचवी बॉल शानदार एक और यॉर्कर हर्ष गगोल द्वारा, टूर्नामेंट में इससे बेहतर नहीं बॉल हो सकती, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट हर्ष गगोल फ्रॉम गगोल को भी चीता ही कह देते हैं।
हर्ष गगल और बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर एक के खेत में, ओवर हो जाएगा समाप्त। इस ओवर में लगे दो छक्के, तीन छक्कों की जरूरत पोलार्ड को मुकाबला जीतने के लिए। और अब पोलार्ड करेंगे सामना काली और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी, उसके नीचे है गगन प्रोमेराट और कैच छोड़ देंगे। और अब कैच का देखेंगे किन तरह अंजाम भुगतेगी काली और गगन की टीम। पांच बॉल तीन छक्के पोलार्ड और बॉल को क्या भेज पाएंगे सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए पोलार्ड पावर और बॉल सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए। चार बॉल दो छक्के बॉलों की डॉट, तीन बॉल दो छक्कों की जरूरत, पैरों पर बॉल और पोलार्ड नहीं भेज पाएंगे बॉल को सीमा रेखा के पार। दो बॉलों पर दो ही छक्कों की जरूरत, पांचवी बॉल बॉलों की वाइड, वाइड के बाद फिर तैयार और एक और वाइड, वाइड के बाद और पैरों की तरफ बॉल और यॉर्कर बॉल होगी डॉट। तीन बॉल एक बॉल पर एक ही छक्का, मुकाबले को टाई के लिए फुल टॉस बॉल और एक और बार बॉल सीमा रेखा के पार छह रनों के लिए और मुकाबला हो जाएगा टाई पर समाप्त। शानदार छक्का लगाती है पोलार्ड, शुभम पोलार्ड फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं। छह बॉल का एक और बार टाई के बाद मुकाबला, पहली बॉल बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल और ये भी डॉट, तीसरी बॉल और बॉल होगी वाइड, वाइड के बाद तीसरी बॉल और आउट हो जाएंगे पोलार्ड। और अब हर्ष गगोल चौथी बॉल बॉल होगी डॉट, पांचवी बॉल और एम्पायर का इशारा डॉट बॉल, अंतिम बॉल लेकर तैयार और बॉल होगी डॉट। मैडन ओवर, एक छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए गगन फ्रॉम मेरठ को। छह बॉल एक छक्के की जरूरत, पहली बॉल और फुल टॉस बॉल और बॉल नहीं जाएगी बाउंड्री की तरफ बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल और फुल टॉस और डिपर और सीमा रेखा के पार छक्का लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया गगन फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं। और मुकाबला हो जाएगा समाप्त और शानदार कीपिंग करते हुए, शानदार कीपिंग रही मेरी और मुकाबला हो जाएगा समाप्त। एक और जबरदस्त मुकाबला, तीतर भाई और सरताज अली और जावेद और जॉन्टी के बीच शानदार मुकाबला चलता हुआ, तीसरा मुकाबला टूर्नामेंट का तीसरा ही जबरदस्त। दूसरी बॉल लेकर तैयार जावेद, तीतर भाई करते हुए बल्लेबाजी, दूसरी बॉल और अपने ही स्टाइल में बॉल को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए। शानदार और काफी लंबा छक्का लगाते हुए तीतर भाई फ्रॉम मुजफ्फरनगर को भी चीता ही कह देते हैं। तीसरी बॉल लेकर तैयार जावेद और एम्पायर का इशारा देखेंगे नो बॉल शकुन द्वारा, नो बॉल के बाद फिर तैयार और शानदार बॉल जावेद द्वारा, डॉट के बाद फिर तैयार और बॉल होगी डॉट, डॉट के बाद जावेद और डिपर बॉल और बॉल होगी डॉट, अंतिम बॉल और बॉल होगी डॉट। इस ओवर में लगा एक ही छक्का, माफ कीजिए अभी बॉल बाकी, हाँ अभी रह रही है एक बॉल और बाकी और बॉल को भेजना चाहते थे बाउंड्री के पार, क्या जाएगी और नहीं जाएगी बॉल हो जाएगी डॉट। इस ओवर में लगा एक ही छक्का, दो छक्कों की जरूरत
मुकाबले को जीतने के लिए जॉन्टी करेंगे बल्लेबाजी। बल्लेबाजी के लिए तैयार जावेद फ्रॉम मेरठ और गेंदबाजी करेंगे सरताज अली फ्रॉम मुजफ्फरनगर। 6 बॉल 2 छक्कों की जरूरत और शानदार बॉल एम्पायर का इशारा डॉट बॉल। दूसरी बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। काफी लंबा छक्का लगाती हूँ जावेद फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं जबरदस्त और काफी लंबा छक्का लगाते हुए। 4 बॉल 1 छक्के की जरूरत मुकाबला हो जाएगा टाई। तीसरी बॉल लेकर तैयार सरताज अली और एम्पायर का इशारा नो बॉल। 9 बॉल के बाद फिर तैयार फुल टॉस बॉल और मिस कर देंगे मौका था मारने का। बॉल होगी डॉट। 3 बॉल 1 छक्के की जरूरत। 4th बॉल और फुल टॉस पे लेके मार दिया है बॉल को और बॉल होगी डॉट। 2 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत। जावेद क्या लगाकर जिताएंगे मुकाबले को। सरताज अली भी तैयार और 9 लुक की कोशिश। बॉल होगी डॉट। 1 बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को जीतने के लिए। जावेद भी तैयार और सरताज। अंतिम बॉल और एम्पायर का इशारा नो बॉल। 9 बॉल के बाद फिर तैयार 1 बॉल पर 1 ही छक्का। क्या लगा पाएंगे जावेद या फिर मुकाबला होगा टाई। और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और जबरदस्त और काफी छंबा लंबा छक्का लगाते हुए जावेद फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते और काफी लंबा छक्का लगाते हुए। इस टूर्नामेंट का इससे लंबा छक्का नहीं हो सकता और एक और शानदार मुकाबला होता हुआ टूर्नामेंट का। यूपी वाला असला और बनिया फ्रॉम मेरठ वर्सेस जुगनू फ्रॉम गुड़गाम और आमिर फ्रॉम गुड़गाम के बीच शानदार और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। पहली बॉल लेकर तैयार जुगनू फ्रॉम गुड़गाम और यूपी वाला असला भी तैयार। पहली बॉल और अपने ही स्टाइल जरूर लगाते लेकिन नाकाम हो जाएंगे छक्का लगाने में। दूसरी बॉल जुगनू और एक और अच्छी बॉल। बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल जुगनू और बॉल हो जाएगी खड़ी। उसके नीचे आमिर फ्रॉम गुड़गाम क्या पकड़ पाएंगे और हाथों से कैच गिर देंगे लेकिन शानदार एफर्ट लगाते हुए जुगनू फ्रॉम गुड़गाम और आमिर फ्रॉम गुड़गाम शानदार एफर्ट लगाते हुए लगातार 3 बॉल डॉट। 4th बॉल और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। नहीं है इस बॉल को पकड़ने का किसी के पास भी मौका और शानदार छक्का लगाते यूपी वाला असला यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं। 5th बॉल जुगनू और फुल टॉस बॉल और बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर काफी ज्यादा दूर। से लंबा छक्का नहीं हो सकता आज पूरे टूर्नामेंट का लेग स्टंप की तरफ। अंतिम बॉल और बॉल हो जाएगी डॉट। इस ओवर में लगे 2 छक्के 3 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए जुगनू फ्रॉम गुड़गाम और आमिर फ्रॉम गुड़गाम को। बल्लेबाजी के लिए तैयार आमिर फ्रॉम गुड़गाम और मनीष राठी भी मौजूद। पहली बॉल और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे। बॉल होगी डॉट। 5 बॉल 3 छक्कों की जरूरत। दूसरी बॉल और मिस टाइम करते हुए बॉल होगी डॉट और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार जुगनू फ्रॉम गुड़गाम और एम्पायर का इशारा डॉट बॉल। 3 बॉलों पर 3 ही छक्कों की जरूरत। बॉल होगी डॉट। 2 बॉलों पर 2 ही छक्कों की जरूरत मुकाबले को टाई के लिए और एम्पायर का इशारा नो बॉल। 2 बॉल 2 ही और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का लगाते हैं जुगनू फ्रॉम गुड़गाम अपने ही स्टाइल में। 1 बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को टाई के लिए। दोनों ही तैयार और बॉल जाएगी क्या इस बार बाउंड्री के बाहर डॉट बॉल और मुकाबला जीत जाएंगे यूपी वाला असला यूपी पंडित और बनिया फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं। बहुत अच्छा मैच चलते हुए
एक और मुकाबला होता हुआ फुरकान करते हुए बल्लेबाजी गौरव फुगाना और रामदेव के बीच ये मुकाबला। पहली बॉल और बॉल हो जाएगी डॉट, दूसरी बॉल हो जाएगी डॉट, गौरव फुगाना और रामदेव करेंगे बल्लेबाजी। तीसरी बॉल लेकर तैयार गौरव और बॉल होगी खड़ी लेकिन बॉल को नहीं पकड़ेंगे और बॉल होगी डॉट। चौथी बॉल और बॉल होगी डॉट। पांचवी बॉल और फुल टॉस बॉल, फुरकन नहीं उठा पाएंगे फायदा और बॉल हो जाएगी डॉट। अंतिम बॉल और मैडन ओवर डालते हुए गौरव फुगाना और एक छक्के की जरूरत रामदेव को मुकाबला जीतने के लिए। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार रामदेव, काफी उभरते हुए सितारे। छह बॉल एक छक्के की जरूरत, फुल टॉस बॉल पैरों की तरफ और बॉल होगी डॉट। दूसरी बॉल और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए। रामदेव फ्रॉम शामली को भी चीता ही कह देते हैं, छक्का लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया। और मुकाबला हो जाएगा समाप्त।